स्टार्ट दागी सांसदों और विधायकों के मंत्री बनने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जनहित याचिका पर फैसला सुनाने में सुप्रीम कोर्ट ने 9 बरस लगा दिए। फैसला भी ऐसा आया जिससे सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों की अपेक्षा रखने वाले लोगों को निराशा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि मंत्री नियुक्त करना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे देश हित में किसी दागी सांसद को मंत्री न बनाएं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केवल नसीहत देकर याचिका खारिज कर दी। लिहाज संवैधानिक पदों पर बैठे दागियों की छुट्टी होने की संभावना ना के बराबर है। जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल के एक तिहाई और प्रमुख विपक्षी पार्टी के 18% सांसद दागी हो तो मंत्रिपरिषद के उजले चेहरे की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव के दौरान जनता को सार्वजनिक जीवन में शुचिता का भरोसा दिलाया था। आज उनके 44 में से 12 मंत्रियों की शुचिता संदिग्ध हैं और उनमें से 8 के विरुद्ध तो गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। देश की सर्वोच्च अदालत की सलाह पर प्रधानमंत्री कैसे अमल करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। उक्त याचिका पर फैसला सुनाते समय जस्टिस कुरियन ने बहुत पते का सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की निष्ठा पर संदेह भर होने से उसे जज नहीं बनाया जाता, तो फिर जिस व्यक्ति की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा हो उसको मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल सुब्रमण्यम को केवल इसलिए जज नियुक्त करने से मना कर दिया था क्योंकि एक गुप्तचर एजेंसी को उनके निष्ठा पर संदेह था। सरकारी कायदा है कि सचिव या अन्य सभी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति के चरित्र, निष्ठा और ईमानदारी
के बारे में खुफिया रिपोर्ट ली जाती हैं। सामान्यतः रिपोर्ट में हरी झंडी मिलने के बाद ही बड़े अधिकारियों और जजों की नियुक्ति दी जाती हैं, लेकिन यह नियम मंत्री बनाते समय लागू नहीं होता। उस समय कहा जाता है कि जब तक अदालत किसी को अपराधी न करार दे तब तक वह निर्दोष हैं। मौजूदा हालत देखकर लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं से भूल हो गई। उन्हें कानून बनाने वाली जमात की योग्यता और निष्ठा के मापदंड भी हाथों हाथ तय कर देने चाहिए थे। दागी शब्द की परिभाषा यदि तभी स्पष्ट कर दी जाती तो संभवतः आज सार्वजनिक जीवन में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलती। मौजूदा लोकसभा का ही उदाहरण लें, देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्थान पाने वाले सांसदों में से 34% दागी हैं। इनमें से कई के खिलाफ तो कत्ल, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं। अब से 10 वर्ष पहले लोकसभा में महज 24% सांसद दागी थे, मतलब यह कि 10 साल में दागियों की जमात में 10% का इजाफा हो गया। यह आंकड़ा बताता है कि हमारी संसद का चेहरा कितनी तेजी से कुरूप होता जा रहा है। आम चुनाव में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव को मापने के लिए कुछ और बातों का जिक्र जरूरी है। 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या में अप्रत्याशित 50% वृद्धि हुई। सन 2009 में 5,435 उम्मीदवार खड़े थे, जबकि सन 2014 में उनकी संख्या बढ़कर 8,163 हो गई। इन 8,163 में से 2,208 करोड़पति थे। जितने वाले करोड़पतियों की संख्या 82% रही। इसी प्रकार कुल 1,398 दागियों ने चुनाव दंगल में भाग्य आजमाया, लेकिन विजयी दागियों का हिस्सा बढ़कर 2 गुना हो गया। इसका अर्थ यही हुआ कि धनबल और बाहुबल के जोर से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार चुनाव में साफ सुथरी
छवि के प्रत्याशियों के मुकाबले दागियों की विजय की संभावना दोगुनी होती है। टिकट बांटते समय हर पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत की संभावना को प्राथमिकता देती है। जीत की संभावना तौलते वक्त जाति, धर्म और धन के साथ साथ बाहुबल को भी आंका जाता है। मंत्री पद बांटते समय भी यही मापदंड हावी रहते हैं। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियां के ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता टिकट पाने की होड़ और मंत्री पद पाने की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। ऐसी बातों से ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर हो गई है। दागियों के सफाए में राजनीतिक दलों की कोई दिलचस्पी नहीं है। आपराधिक के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पिछले 16 वर्ष से चुनाव आयोग के पास पड़ा है। इस दौरान सरकार या विपक्षी दलों ने इसे कानूनी जामा पहनाने का प्रयास नहीं किया। मौजूदा राजनीति में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने या गिरकर नीचे आ जाने के दावे बहुत ऊंचे हैं। राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों को झूठ मामले में फंसाने की प्रवृत्ति भी जोर पकड़ती जा रही है। विनम्रता यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत दागियों को मंत्री पद से हटाने की अपेक्षा उन्हीं से कर रही है जो उन्हें यह पद सौंपने के जिम्मेदार हैं। मोदी के पैरों में तो गठबंधन राजनीति की बेड़ियां भी नहीं पड़ी हैं। फिर राजनीति को स्वच्छ बनाने का अपना वादा हुए कब पूरा करेंगे? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वालों की रुचि दागी मुक्त मंत्रिमंडल बनाने की नहीं है। स्टॉप स्टार्ट।